नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिसिप्लिन चैनल वीके न्यूज। अतीक अहमद और अशरफ अहमद का गेम ओवर होने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट में मायावती ने कहा, गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। बसपा चीफ ने कहा, देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित है, सोचने की बात है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। इसके अलावा अजदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मारने वाले आतंकवादी थे, कल जो हत्या हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री की है, यूपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे घटना में यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका है। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या, बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, मोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक इसमें लोग होंगे। साल 1989 से एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कानून से नहीं चला रही है, बंदूक के दम पर सरकार चला रही है। बीजेपी की सरकार को कानून पर भरोसा नहीं है। कल का जो मर्डर हुआ है वो सोची समझी साजिश थी। लोकसभा सांसद ने कहा कि हथियार चलाने का तरीका देखिए, उन्हें मालूम था कि हमें किस जगह पर मारना है। वही बताया जा रहा है कि साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने आशंका जताई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है। उसे जेल से बाहर पुलिस वैन में लाया जा रहा था, उस दौरान उसने मीडिया से कहा हत्या हत्या। जब उससे पूछा गया कि पुलिस वैन में सेफ्टी है, डर क्यों लग रहा है, तो उसने कहा, मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है, हत्या करना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।